नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा सरकार की न तो नीतियां सही है और न ही नीयत। नतीजे में उत्तर प्रदेश को विकास का पहिया थम गया है। समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश विकास की गति पकड़ ली थी, लेकिन अब 3.5 साल बीत गए, भाजपा सरकार एक भी ऐसा काम नहीं दिखा पाई जिस पर वह अपना दावा कर सके। समाजवादी पार्टी के कार्यों में ही हेराफेरी करके वह अपना चेहरा बचाती आ रही है। राजधानी लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास वर्ष 2013 में समाजवादी सरकार ने कर दिया था। सपा सरकार की सोच यह थी कि दिल, किडनी, लीवर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज काफी महंगा होने से सामान्य लोगों के लिए इनका इलाज कर पाना संभव नहीं है। संपन्न लोग मुंबई, दिल्ली या चेन्नई में इलाज कराने जाते हैं। समाजवादी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के कैंसर अस्पताल के सपने को धरती पर उतारा। 20 दिसंबर 2016 को इसका लोकार्पण भी कर दिया गया था। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सपा का काम अपने नाम की आदत का हास्यास्पद प्रदर्शन करते हुए 20 अक्टूबर 2020 को सीजी सिटी स्थित कैंसर अस्पताल के लोकार्पण कर दिया। इस मौके पर कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए वे पूर्व सरकार का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण भी न कर सके, यह कौन सी नैतिकता है। हकीकत यह है कि भाजपा सरकार ने 3.5 साल तक कैंसर अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं होने दिया। चौथे वर्ष में ओपीडी का काम शुरू किया। अब इसका सबका विकास और सबका साथ वाला नारा देने वाली भाजपा सरकार ने अगर पहले ही काम शुरू करा दिया होता तो कितने ही मरीज का इलाज हो जाता। मुख्यमंत्री जी में संवेदनशीलता होती तो वे 3.5 सालों में यहां इलाज न पाने वाले कैंसर मरीजों की मौतों का प्रायश्चित अवश्य करते। यह भी याद करते कि उनके सत्तारूढ़ होने के बाद भी इनके गृह जनपद गोरखपुर में हजारों बच्चों की मौत हुई है। यह हास्यास्पद है कि मुख्यमंत्री जी के डुप्लीकेट लोकार्पण और बड़ी बड़ी बातों के बाद भी कैंसर अस्पताल में मरीजों को सही और सस्ता इलाज अभी भी नहीं मिल पाएगा। बड़ी संख्या में यहां शिक्षकों के पद खाली है, निर्माण कार्य भी अधूरा है। ऐसा लगता है कि अपनी विदाई के चंद दिन रह जाने पर भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए ढूंढकर समाजवादी पार्टी के कामों पर पत्थर चिपकाने वाले समाजवादी सरकार के कामों पर पत्थर चिपकाने की मुहिम में जुट गए हैं। लेकिन उनकी यह चालाकी जनता की निगाह से छुपने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बात करें तो बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक का चेहरा बन के गए हैं, क्योंकि उनको लोकप्रिय माना गया है। उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय होने के बाद बिहार चुनाव में भी स्टार प्रचारक के तौर पे गए हैं। अभी देखना रहा बिहार में कितना सीट जीतते हैं। पर एक बात कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को कि पहले खुद के प्रदेश को जहाँ आपने मुख्यमंत्री बनाया है वो प्रदेश को तो सही करवा लो, बाद में दूसरी जगह प्रचार के लिए ले जाना। दोस्तों, 2022 में समाजवादी सरकार चाहिए। समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे वही भाजपा सरकार लोकार्पण कर रही है और कुछ काम नहीं कर रही। इसीलिए जिसने पाया डाला है, जिसने खड़ा किया है विकास का काम, उसी की सरकार बना के और नया आगे अपने प्रदेश को बढ़ाने के लिए जरूर सहयोग करना समाजवादी पार्टी का। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। नमस्कार।